बाईस, 9 2 11 13 9 22 9 2 11 13 9 22 9 2 11 13 9 22 9 2 11 13 9 22। अरे ये क्या याद कर रहा है यार, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है जो तू जल्दी जल्दी रट्टा मार रहा है? समोखन, ये मेरा रोल नंबर है यार, ये किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी है। अरे तो रोल नंबर क्यों याद कर रहा है यार? अरे यार पिछले एग्जाम में ना मैंने अपना रोल नंबर गलत लिखा था, जिसके कारण मैं एक पेपर में फेल हो गया था, इसलिए इस बार मैं अपना रोल नंबर अच्छी तरह से याद कर लिया हूँ ताकि इस बार मैं फेल ना हो जाऊँ। 9 2 11 13 9 22 9 2 11 13 9 22 9 2 11 13 9 22। ओए पप्पू, तेरी तैयारी कैसी है, याद करके आया है? समोखन मुझे डिस्टर्ब मत कर यार, 5 मिनट रह गया है पेपर आने में, मुझे पढ़ने दे यार, पढ़ने दे, तू जा यहाँ से। सभी लोग मेरी बात सुनो, सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके मैं सबको चेक करूंगा, फिर एक एक करके सब अंदर जाएंगे। ये क्या है रे तेरे पास, ये क्या लेके जा रहा है? सर जी ये बाल खींचने वाला कंघी है जी, कंघी। तो तू इसको अंदर क्यों लेके जा रहा है? तू अंदर पेपर देने जा रहा है कि फैशन शो में जा रहा है? तू बाहर फेंक क्या इसको, ये तेरे पास क्या है, ये तूने क्या रखा है? सर जी मम्मी पैसा दी थी वही रखा हूँ जी, 10 का नोट है। 10 का नोट है चाहे 20 का नोट है, इसको भी बाहर रख क्या, पेपर रूम में कुछ नहीं लेके जाना है। सभी लोग अपने अपने जगह पर शांति से बैठ जाओ, मैं सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांटने जा रहा हूँ, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। मैं कमिंग सर। आइए 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 श्रीमान जी, आप ही का तो इंतजार हो रहा था, आप ही की वजह से तो अभी तक पेपर रुका हुआ है, पधारिए, कम से कम पेपर वाले दिन तो जल्दी आ जाया करो। नालायक कहीं का, गो एंड सिट। क्या हुआ जी? अरे महाराज जी जाइए अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। तो जा तो रहे थे तब बीच में टोक क्यों दिए, पीछे से टोक दिए, आज का तो पेपर ही खराब हो जाएगा। तो सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर और आंसर सेट मिल चुका है? हाँ जी मिल गया। तो सभी लोग चुप करके अपना अपना पेपर करो, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। 1 hour later। हाँ रे समोखन, तू पेपर क्यों नहीं कर रहा है, तू बैठा क्यों है? सर जी पेपर में 3-4 क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर आए हैं, जो बुक में नहीं है, तो क्वेश्चन चेंज करा दीजिए। अरे मैंने तो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से नहीं आया है। आया है सर बाहर से, बुक में जो नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे ज्यादा पता है कि तुझे ज्यादा पता है बुक में है कि नहीं है, पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ यही बुक। जी सर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर सीरियस बोल रहा हूँ, बुक में ये क्वेश्चन नहीं है सर, बाहर से आ गया है। अरे नालायक, तेरे को सारी बुक याद है, घर में जाकर तू चेक कर लेना, ये सारे क्वेश्चन बुक में हैं। घर में क्या जाना सर, ये देखो ये बुक है, मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरा इतना टाइम भी बर्बाद हो गया है। अरे गधे, तू बुक लेके बैठा है पेपर में, पागल हो गया है क्या, इधर ला बुक, जल्दी से दे मेरे को। तू ये बुक अंदर कैसे लेके आया, जब मैं बाहर चेक करके तेरे को अंदर भेजा हूँ। सर जी उसका टेंशन मत लो, वो मेरे दिमाग का कमाल है, आप ज्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पे, सठिया जाओगे। ये देखो साइंस का पेपर है और हिंदी का बुक लेके बैठा है गधा, तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, नकल भी अकल से मारी जाती है, नालायक कहीं का। सर जी समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये देखो मेरे पास तो साइंस की बुक है, इसमें भी वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं भी पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। अरे नालायक तू भी बुक लेके बैठा है, ये क्या हो रहा है क्लास में? ये सब छोड़ो, तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोग बुक लेके कैसे आए क्लास के अंदर? सर जी कल छुट्टी होने के बाद हम दोनों अपने टेबल के नीचे बुक चिपका के चले गए थे। तुम दोनों ऐसा करो अपने अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, अब देखना जब प्रिंसिपल सर आएंगे तब तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या लिखूं, मेरा तो अभी 1 ही पेज भरा है, समोखन ने कहा था 30-40 पेज लिख के आना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं लिखूं इसमें क्या।
अगर पेज खाली छोड़ दूंगा तो टीचर सीधे काटा मार देगा। अगर मैं लिखा रहूंगा तो टीचर भी डिस्टर्ब होगा चेक करते समय, तो वो कुछ ना कुछ तो देगा ही। ऐसा करता हूँ, इसमें मैं गाना लिख देता हूँ, पेज तो 30-40 भर ही जाएगा। इतना गाना तो मुझे आता ही है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना बेजरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। और सर कैसे चल रहा है पेपर? कोई नकल वकल तो नहीं मार रहा है आपके क्लास में? सर जी ये देखो, ये लोग नकल मार रहे थे आज, इनके पास बुक मिली है मुझे। अरे बेवकूफो, तुम लोग पागल हो क्या? पेपर में कोई बुक लेके आता है? अगर फ्लाइंग वाले आ जाते और तुम लोगों के पास बुक देख लेते तो कितनी बेइज्जती होती हमारे स्कूल की, तुमने कभी सोचा है? और वो लोग वीडियो बनाते टिकटॉक और यूट्यूब पर वायरल कर देते तो हमारे स्कूल की कितनी बदनामी होती कि इनके स्कूल में सब बुक लेके पेपर देते हैं। नहीं सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो इस स्कूल की इज्जत और बढ़ाने में लगे थे। इज्जत बढ़ाने में? वो कैसे रे नालायको? सर जी हमारा पेपर ना काफी पहले हो चुका है, पर हम लोग पूरा पेपर करने के बाद एक बार बुक से क्रॉस चेक कर रहे थे ताकि कुछ गलती ना हो जाए और हमारे 100 में से 100 नंबर आए। अगर सोचो सर, अगर हमारे 100 में से 100 आ जाएंगे तो आपके स्कूल का कितना नाम होगा। बस हम लोग चेक कर रहे थे, नकल तो हम लोग मारे ही नहीं, पेपर तो हमारा पहले ही हो गया था। हाँ जी समोखल सही बोल रहा है, हम लोग को सब आता है जी, सब सुन लो, अगर सुनना है तो सुन लो, हमको सब आता है। शकल से चूतिया लग रहा हूँ मैं? शकल से तो लग रहा है। चलो निकलो तुम दोनों क्लास से बाहर, क्लास के अंदर बैठ के बुक से नकल मारते हो तुम लोग, चलो निकलो, गेट आउट। नहीं सर नहीं, प्लीज रहने दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज सर माफ कर दीजिए। मैंने कहा क्लास से निकल, चल निकल क्लास से। नहीं सर नहीं, रहने दीजिए, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया ना तो मेरे पापा बहुत मारेंगे मुझे। और सर जी मैं आपको मेन बात बताऊं तो मेरी दादी की आखिरी सांस चल रही है, वो कहती है मरने से पहले समखन को पास होते हुए देखना चाहती हूँ ताकि वो चैन की सांस लेकर मर सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। सर जी मेरे दादाजी तो मर गए हैं जी, और मरने से पहले उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और धीरे से मेरे कान में कहा कि बेटा तू इस बार पास हो जाना, ये मेरी आखिरी इच्छा है, नहीं तो मेरी आत्मा जिंदगी भर भटकती रहेगी। उसके बाद वो मर गए। बस करो, रुलाओगे क्या? बस करो। शास्त्री जी आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग अपने इन चिकनी चुपड़ी बातों में प्रिंसिपल सर को फंसा सकते हो, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। सर जी मेरे घर में तो रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं जी, रोज कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का पास हो गया कि नहीं पास हो गया, अगर पास हो गया तो कितने नंबरों से पास हो गया और आगे वो कौन से कॉलेज में जाएगा। सर जी मेरी तो शादी भी नहीं होगी अगर मैं फेल हो गया तो, सब बोलेंगे इसे तो पढ़ना ही नहीं आता है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, फिर मेरी शादी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, मेरी तो जीअब भी बहुत परेशान हो जाएगी, अगर वो परेशान हो जाएगी सर तो आप परेशान हो जाओगे। मैं परेशान हो जाऊंगा? मैं क्यों परेशान हो जाऊंगा? क्योंकि सर वो आपकी ही बेटी है ना। क्या मेरी बेटी? नहीं सर नहीं, मेरा मतलब है कि सब बच्चे जो हैं वो आपके ही बेटा बेटी जैसे ही है ना, इसीलिए। चलो बैठ जाओ और चुप करके अपना अपना पेपर करो, जितना मुझसे बच सकते हो बचो, और आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खाते है जी रहा। हाँ तेरी तो आवाज कभी बंद ही नहीं होती है, यहाँ पर तू पेपर देने आता है कि सबको डिस्टर्ब करने आता है? और चुप करके अपना अपना पेपर करो। तेरे को आता है रे मनु? मनु तेरे को आता है? नहीं आता है मेरे को। तो तू फिर पेपर देने क्यों आया? तू क्यों पेपर देने आया? अरे यार मनु तेरे को कुछ तो आता होगा, वो बता दे। मेरे को
नाचना आता है, नाच के दिखाऊं तेरे को। मारना भी आता है, मार के दिखाऊं तेरे को। खुजाना भी आता है, खुजा के दिखाऊं तेरे को। उल्टा खड़ा होके चल लेता हूँ, चल के दिखाऊं तेरे को। क्या दिखा रहे हो तुम लोग एक दूसरे को? अरे नालायको, जितना मुझसे बच सकते हो बचो।